लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति इनकी एज के बारे में ना ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर एक के पास बुक हो, क्योंकि बुक होगी तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, चीज़ें मैं तो बता दूंगी पर आपको कभी ये फील होगा ही नहीं कि हमारा सिलेबस पूरा हुआ या हमें कुछ आया। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब हम पढ़ रहे हों तो हम लोग कॉन्फिडेंट बनते जाएं। कॉन्फिडेंट बनने के लिए पहली शर्त होती है कि चीज़ें आपको फील हो कि मुझे आ रही हैं। कोई भी चीज़ जब अंडरस्टैंडिंग के साथ समझी जाती है ना, तो वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाती है। कॉन्फिडेंट हमेशा वो लोग रहते हैं जिनको नॉलेज भी होती है पढ़ाई के क्षेत्र में। अदरवाइज़ कोई भी आदमी जिसको नॉलेज नहीं ना, वो कॉन्फिडेंट कभी बनेगा ही नहीं। हम पढ़े लिखे लोगों के एरिया की बात करूँ, पॉलिटिशियंस और इन सब की बात मत करना, या किसी इस तरह के लोगों की जो कि क्राइम्स में लिप्त हों। हम लोगों को सिलेबस पूरा करने पर अपने आप फील होने लगता है कि ये मैंने कवर कर लिया, मुझे इतना आता है। और सिलेबस को पूरा करने के लिए बुक बहुत कंपलसरी है। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं एक बार मोटा मोटा सा समझने में। डिटेल से दोबारा पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़ के नहीं आती ये चीज़ें। एक बार पढ़ के तो बस ये होता है कि ठीक है मैंने पढ़ा है, थोड़ी थोड़ी समझ बनी। जब इसको आप सेकेंड टाइम में पढ़ते हैं ना, तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। और फिर थर्ड टाइम जब अपने आप पढ़ते हैं, तब एग्ज़ाम के लायक बनते हैं। एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस रटने पर आधारित बिल्कुल नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएगा। और जिसकी समझ नहीं बनी वो पेपर में कभी पास नहीं हो सकता। पेपर पास करने के ट्रिक्स होते हैं, आप रट्टा मारोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, कभी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत बार बच्चे देखे जो एवरेज थे लेकिन नौकरी लग गए, और बहुत इंटेलिजेंट और सुपर स्मार्ट बनते थे और रह गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके घरों में, रिश्तेदारी में, परिवार में, समाज में हैं। बस ये थोड़ा सा अंतर होता है, पढ़ाई करने का तरीका डिसाइड करेगा कि आप लगोगे या आप रह जाओगे। अब जो इतना बेवकूफ़ है कि जिसको बार बार टोकना पड़ता है, जिसका इतना बौद्धिक विकास नहीं हुआ, वो कैसे नौकरी लग सकता है? नौकरी लगने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आप पे होनी चाहिए, पढ़ाई से इतर, पढ़ाई से अलग। चलिए, कल हम लोगों ने बातचीत की थी लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में मैंने आपको बताया था एज फैक्टर। लोकसभा में मेंबर बनने की एज कितनी होनी चाहिए? 25। और किसकी और 25 होनी चाहिए? ये दोनों किस लेवल पे काम करते हैं? और ये दोनों देश के स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, ये स्टेट राज्य के स्तर पर। यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 होगी। कहाँ पर? विधानसभा। राज्यसभा की एज मेंबर बनने की 30, तो परिषद की भी 30। देश में कितनी लोकसभाएं हैं? 1। कितने मेंबर हैं वहाँ? 543। और राज्यसभा कितनी है? 1। इसमें 245। विधानसभाएं देश में कितनी हैं? 28 + 2, 28 राज्य और प्लस दिल्ली और पुदुचेरी। विधान परिषद सिर्फ कितनी है? कल मैंने आपको 6 का ट्रिक बताया था याद करने का, क्या क्या था बताना? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और ये भी बताया था कि ये बनके टूटी भी हैं, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, और करंट में देखे तो जम्मू कश्मीर, अभी 1.5 साल पहले। यहाँ प्रेजेंट में हैं इन 6 में विधान परिषद। यहाँ जो लोग बैठते हैं उनको आप कहते हैं ये हमारे MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ बैठने वालों को आप कहते हैं ये हमारे MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों में बैठने वालों को आप कहते हैं MP हैं। क्या सारे MP जो हैं वो मंत्री बन पाते हैं? मंत्री कितने परसेंट बन पाते हैं? किसका 15%? 543 का 15%। ये इतने मंत्री बनेंगे, अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 81-82 के आसपास। आपके मोदी जी की सरकार में इस टाइम में कितने मंत्री हो गए हैं? 77, यानी लगभग करीब पहुंच गए, जितने के बाद तो बढ़ ही नहीं सकते, उतने तक पहुंचने वाले हैं। इसमें आपका PM प्लस 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री प्लस स्टेट मिनिस्टर और एक डेप्यूटी मिनिस्टर, ये बताए थे ना मैंने सारे। इन सबको मिला के आप कहते हैं ये हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। PM प्लस कैबिनेट को आप कहते हैं ये हमारा मंत्री मंडल है। ये सारे मिला के कहलाते हैं मंत्री की परिषद। परिषद को ही तो आप काउंसिल कहते हैं, परिषद, तो मंत्री परिषद। ये सब चीज़ें हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल का मेन मुद्दा ही ये होता है। जब पढ़ते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें पढ़नी और पढ़ानी पड़ती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपके ये लोकसभा राज्यसभा काम करते हैं, और आपके यहाँ इनका काम है टाइम टू टाइम हमारे लिए क्या बनाना? कानून। कानून कैसे बनता है? पहले क्या पेश किया जाता है? बिल, विधेयक। बिल कितनी तरह के होते हैं? 2। कौन कौन से टाइप के? एक साधारण और एक धन विधेयक। धन विधेयक की कंडीशन है, कहाँ पेश होगा? केवल लोकसभा। कौन पेश करेगा? केवल मंत्री। अब तुम समझ जाओ कि इसको सिर्फ BJP वाले पेश कर सकते हैं आज की स्थिति में, जब कांग्रेस सरकार थी सिर्फ कांग्रेस वाले, इसलिए आप इसको कहते हैं ये कैसे विधेयक है? सरकारी। जबकि अगर मैं बात करूं साधारण की, तो इसे कहीं भी पेश हो सकता है, कहीं भी का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ केवल लोकसभा लिखा। इसे कोई भी पेश कर सकता है, मतलब मंत्री भी और सांसद, MP का हिंदी नाम। और दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट, धन विधेयक को यहाँ से पारित होने के बाद ये कितने दिन रोक पाएगी राज्यसभा? सिर्फ 14 दिन। तो धन विधेयक में कौन ज़्यादा ताकतवर लगा तुम्हें?
कौन है इसमें? लोकसभा। और राष्ट्रपति भी पहली बार में ही क्या कर देगा? साइन। क्यों बाध्य कर रखा है राष्ट्रपति को? इससे पूछ के पेश किया, भाई आपसे पहले पूछा ना, अब कैसे बना कर दोगे? यहाँ राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यहाँ तो राज्यसभा भी रोक देगी, कितने महीने के लिए? एक दिन मैंने आपको बताया था, आपके देश में अगर इन दोनों का डिस्प्यूट हो तो क्या बुलाई जा सकती है? कौन बुलाता है आपका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और संयुक्त बैठक आज तक कितनी बार बुलाई गई? 3 बार। 3 ही कारणों से बुलाई जा सकती है। मान लीजिए एक कोई पारित कर दे, दूसरी पारित ना करे, दोनों पारित कर दें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे गड़बड़ है, वापस भेजें, ये इसमें कुछ चेंज करे, अमेंडमेंट करे, और वो चेंज इसे पसंद ना आए तो भी बुलानी पड़ेगी। एक पारित कर दे, दूसरी कितने महीने तक काम ना करे? 6 मंथ्स। इन 3 कंडीशंस में क्या बुलाई जाएगी? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक। इसको बुलाने की पावर आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, और ये जब इकट्ठे बैठेंगे तो आप लगा लो 543 + 245। ऐसा तो नहीं होता कि रोज सब आएं, लेकिन फिर भी आप लगाओ लगभग 700-750 लोग इकट्ठे बैठेंगे, और इन सबने अपने अपने एरिया में, लोकसभा की बात करूं तो एक आदमी को लोकसभा का अध्यक्ष, ओम बिरला का नाम आप सबने सुना हुआ है, और अगर वो ना हो तो काम करते हैं उपाध्यक्ष। ये लोकसभा की बात हो रही है। राज्यसभा में सेम पोस्ट पर आदमी होता है सभापति, और अगर वो ना हो तो उपसभापति। आप सब अच्छी तरह जानते हैं इन चारों में से ये आदमी बाहर का है। कौन है ये? ये भारत का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या बन पाता है? राज्यसभा का सभापति। जब ये इकट्ठे बैठते हैं ना सब, तो उस कंडीशन में इसको नहीं बुलाया जाता, यानी 543 + 245 जब इकट्ठे बैठेंगे 700+ लोग, तब यहाँ पर इसकी अध्यक्षता 700+ लोगों का मॉनिटर या लीडर कौन माना जाएगा? अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, ये भी नहीं है तो उपसभापति। इस कंडीशन में कभी भी कौन इसका हेड नहीं बन सकता? सभापति। ये लिखित में है, यानी उसको इसके मुखिया, जो इनका मुखिया जिसको आप कहते हैं, कौन सी बैठक हो रही है ये? संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सेशन, इसका प्रमुख नहीं बना सकते। इसको पहली प्रायोरिटी से ना हो तो ये, ना हो तो ये, इसको नहीं बनाना। मुझे बताओ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी सैलरी लेता है? 4 लाख। क्या वो अपनी सैलरी कभी ले पाता है? 2 तरीके की बात होती है, एक होती है साधारण परिस्थिति जैसी आज है देश की, और एक होता है देश में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपातकाल, कोई इमरजेंसी आ गई। जब विशेष कह देती हूँ मैं, स्पेशल कोई कंडीशन है, साधारण स्थिति में क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई ड्यूटी, कोई जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति के तो साइन होते हैं ना, इसके साइन भी नहीं होते, फिर रोजमर्रा में ये काम कोई है ही नहीं, तो ये क्या काम करते हैं? ये सभापति। जब जब आपके देश में लोकसभा राज्यसभा की बैठक होती है तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी लेते हैं। आपके देश में 3 बार तो स्पेशल बैठक होती ही मिलेगी आपको, एक तो फरवरी के एंड से लेके मई तक चलती है, जिसको आप बोलते हैं पहला सत्र साल का, इसको बोलते हैं बजट सत्र। फिर आपका जुलाई और अगस्त में एक सेशन चलता है जिसको आप कहते हैं मानसून सत्र, और एक नवंबर के बिल्कुल एंड में या कई बार दिसंबर में ही स्टार्ट होता है, दिसंबर तक। ये सबसे छोटा सत्र होता है, सबसे शॉर्ट सेशन, ये सबसे लंबा सत्र है, सबसे लंबा सेशन, और ये होता है, इसको आप कहते हैं मानसून सत्र, जो इस टाइम की अब जो देश में चलेगा ना, वो कौन सा सत्र चलेगा? मानसून सत्र। इन तीनों सत्रों के टाइम पे ये सारे MP पहुंचते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। यहाँ अगर जरूरत पड़ती है तो कोई विधेयक लाते हैं, फिर उस पर बहस करते हैं, उसको पारित कराते हैं, कानून बना देते हैं। तो पूरे साल आप ध्यान से देखो, हम अगर माने जनवरी से शुरू है, जनवरी नहीं है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सत्र में है, तो इसका मतलब ये क्या बन के बैठा हुआ है? इसकी सैलरी लेगा। इसके बाद देखो, मई के बाद जून नहीं है, फिर जुलाई अगस्त में फिर सत्र में है, सितंबर अक्टूबर नहीं है, नवंबर दिसंबर फिर सत्र में है। तो पूरे साल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस कुर्सी पर बैठा रहा? तो किसकी सैलरी लेता रहा? अगर कभी कंडीशन बदले, कंडीशन बदलने से मेरा मतलब है कोई विशेष परिस्थिति हो जाए सत्रों के अलावा, मान लीजिए राष्ट्रपति बहुत एज्ड हैं और अचानक से किस दिन खबर मिले कि राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए, अभी की बात नहीं करी, पहले ऐसा हुआ था, तो उस कंडीशन में सभापति उसी सेम डे क्या बन जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। जैसा आपके देश में 2 बार हो चुका, 1969 में हुआ और 1977 में। जाकिर हुसैन अचानक से 2 साल हुए थे राष्ट्रपति बने, 1967 में बने थे, 69 में अचानक से मरे मिले, एक दिन अपने रूम में डेथ हो गई। और ऐसे ही 77 में फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 राष्ट्रपति अचानक से चल बसे। तो ये आपका एक कानून बना दिया था 1969 में कि अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो सेम डे भारत का कौन? उपराष्ट्रपति किस कुर्सी पर बैठेगा? ये विशेष परिस्थिति है। अगर ये भी नहीं है तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा, और अगर किसी कारण से ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, सिटीजन नहीं है ये सीनियर मोस्ट जज है, इसका मतलब 33 जो देश के सबसे बेस्ट जजेस हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो देश में किस कुर्सी पर बैठ जाएगा? राष्ट्रपति। आज तक ये लिस्ट यहाँ यूज हुई है और यहाँ तक यूज हुई है, आज तक ऐसी कंडीशन कभी नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कहीं ना कहीं प्रेजेंस ना हो। ऐसा आपके देश में 2 बार हुआ। जब पहली बार 1969 में जाकिर हुसैन एक्सपायर हुए तो वीवी गिरी को उपराष्ट्रपति थे, सभापति थे, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिया। इसके बाद फिर ऐसा हुआ जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी चल बसे तो उस टाइम बीडी जत्ती को, जो सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बना दिया। जब ऐसा होगा ना तो सभापति की सैलरी बंद हो जाएगी, फिर उस टाइम पे ये किसकी सैलरी लेंगे?
भाई जिसका काम करेंगे उसी की सैलरी लेंगे ना। अब काम किसका कर रहे हैं ये? राष्ट्रपति। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आपका राष्ट्रपति या तो मर जाए या उसको हटा दिया जाए या वो प्रेजेंट ना हो, जो बहुत रेयर चांसेस हैं। तो ये मान के चलो कि साल भर इसकी सैलरी किस रूप में थी, और कभी विशेष कुछ होता है तो किसकी सैलरी है, किसकी सैलरी नहीं ले पाता, क्योंकि इसको दो ही रूपों में काम करना है, या तो राष्ट्रपति बन के काम करेगा और नहीं तो सभापति। 99% किस रूप में काम करता है? सभापति। विशेष परिस्थिति में क्या बन जाता है? राष्ट्रपति। तो इसकी अपनी सैलरी 4 लाख रुपए कभी नहीं मिलते, ठीक है? ये हुई इनकी बात। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि अगर किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा दिया गया तो किसके स्टैंप और साइन लगेंगे होंगे इस पर? किसके स्टैंप और साइन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। इसको देखते ही कौन एक्टिव हो जाएगी? राज्यसभा। कितने दिन के अंदर? और इसको देख के राष्ट्रपति क्या सोचेगा कि मुझे किसी भी कंडीशन में इसको वापस नहीं लौटाना, क्योंकि मेरी मर्जी से पेश किया गया। जितने भी आपके देश में धन विधेयक है ना, मनी बिल्स हैं, वो हमेशा प्रायर परमिशन ली जाती है राष्ट्रपति की। पेश नहीं होंगे अगर ये मना कर देगा, बहस तो बहुत दूर की बात है, पेश भी इसकी परमिशन के बाद ही हो सकते हैं। क्या ये बातें सबकी समझ में आ गई? ये सब कुछ दिन बाद तुम भूल जाओगे, सब भूलते हैं, मैं भी भूलती थी, इसीलिए किताब से इनको पढ़ना पड़ता है। बुक्स निकालो जिनके पास हैं, जिनके पास नहीं है वो अपनी बुक्स ले लो। अगर पास होना है तो किताबें ज़रूरी होती हैं पढ़नी। चलो इसमें सीधे मैं आपको लोकसभा राज्यसभा कराऊंगी, पेज नंबर 100 में पहुंच के मिलेगा आपको राष्ट्रपति के बाद। चलो पेज नंबर आप आ जाओ, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब मैंने आपको समझाया है, समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 112 पे आ जाओ, राष्ट्रपति को भी समझाऊंगी एक दो दिन बाद। 112 पर आओ, 112 की हेडिंग क्या मिली? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। इसका पहले टेबल पढ़ा दूं ताकि आपको ये याद रखने में आसानी रहे। पेज नंबर 112 पे टॉपिक स्टार्ट है, टॉपिक स्टार्ट भी कराऊंगी। पहले 115 पे आओ, भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत बार पीएम और राष्ट्रपति की लिस्ट आती है एग्जाम में। कौन सी लोकसभा चल रही है आपकी प्रेजेंट में? कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। एक बार बोर्ड पे देखो, फिर ये टेबल बहुत आसान है। पहली और दूसरी लोकसभा एक आदमी ने संभाली थी, ये मैंने सब आपको बेसिक बैच में कराया होगा। तीसरी लोकसभा, चौथी और पांचवी, फिर छठी लोकसभा दो लोगों ने संभाली, इसके बाद सातवीं लोकसभा, सातवीं और आठवीं लोकसभा, ये दो लोकसभाएं संभाली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस वाली को संभाला था शास्त्री जी ने, चौथी पांचवी इंदिरा ने, छठी में दो आए थे, एक का नाम था मोरारजी देसाई और एक का नाम था चौधरी चरण सिंह। बेसिक बैच में ये जरूर कराती हूँ मैं टॉपिक। इसके बाद सातवीं में वापस से कौन आई थी? इंदिरा। और सातवीं, आठवीं, दो महीने सातवीं के और पूरी आठवीं किसने संभाली? राजीव ने। तो कितनी लोकसभाएं हो गई यहाँ तक? 8। अभी कौन सी चल रही है? 17वीं। इसका मतलब आगे बढ़ें, 8 तक हो गई। 9वीं में फिर दो आदमी आए, 10वीं में एक, 11वीं में 3 आदमी आए, 12वीं प्लस 13वीं, 14वीं प्लस 15वीं और 16वीं प्लस 17वीं। ये सब आपको जबानी याद होने चाहिए, ये सब किताब में लिखा है, सिर्फ बोर्ड पे समझो और रिकॉल करो। ये पहले हफ्ते में पढ़ाया गया था। 9वीं के दो आदमी थे वीपी सिंह और चंद्रशेखर, आया राम गया राम नाम लिए थे मैंने, आए और गए, साल साल भर के पीएम थे, पूरा साल भी नहीं पकड़ा। ये अच्छी तरह टिके थे पीवी नरसिम्हा राव, 10वें नंबर के प्रधानमंत्री और 10वीं ही लोकसभा संभाली है, रैंक भी 10वां और लोकसभा भी 10वीं। 11वीं में 3 आए, 13 दिन का राष्ट्र पीएम बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे छोटे कार्यकाल के प्रधानमंत्री महज 13 दिन के। फिर आए HD देवेगौड़ा, हृदन हल्ली डोडा गोड़ा देवेगौड़ा, हिंदी बोलनी नहीं आती थी, साउथ इंडियन थे। फिर आए इंद्र कुमार गुजराल, ये साल साल पकड़ के गए। और 1996 से 1998 में आपके देश में एक लोकसभा में 3 PM आ गए, तो सोचो देश की हालत कितनी खराब। फिर 12वीं और 13वीं में अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये वो दौर था जब आपके देश में एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था 1974 के बाद, 98 में परमाणु परीक्षण किया था आपने, कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। और एक आपके पीएम ने, इन्होंने बस यात्रा की थी लाहौर, उसके तुरंत साथ साथ आपके ऊपर अटैक कर दिया था कश्मीर में, पाकिस्तान के इलाके जो हमारा POK से आगे LOC को क्रॉस करने की कोशिश की थी, और आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी, याद होगा कौन सी लड़ाई? कारगिल। ये भी मैं बहुत बार बेसिक बैच में बताती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी दो लोकसभाएं देख गए, लेकिन इस लोकसभा के 5 साल नहीं है, 1.5 साल, इसके 5 साल, 6.5 साल यहां काटे वाजपेयी जी ने और 13 दिन यहां थे। तो वाजपेयी जी कहने को तो 3 लोकसभाओं में आए, लेकिन टोटल कार्यकाल 6.5 साल का। इंदिरा गांधी और ऐसी ही हैं जो 3 लोकसभाओं में दिखाई दी, 4, 5, 7, इनका कार्यकाल है 16 साल का। सेम बराबरी पे 3 लोकसभा अटल जी की भी हैं, लेकिन कार्यकाल महज 6.5 साल का। 14वीं 15वीं देखी हैं मनमोहन सिंह ने, और अब 16वीं 17वीं देख रहे हैं मोदी जी। तो ये आपके देश के आज तक के पीएम की लिस्ट है। अब ये लिस्ट अगर तुम ढंग से पढ़े होगे तो, मैंने बेसिक बैच में ये लिस्ट कराई होगी, मैं हमेशा कराती हूँ। और इसमें खास ध्यान रखने की बातें क्या क्या हैं, हमारी टोटल 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा लोकसभाएं देखी, 3-3 लोकसभाएं। एक कौन है? और एक है
टू प्लस लोकसभाएं। हमारे देश में चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठीक दो दो लोकसभाएं देखी हैं, इनमें नेहरू हैं और कौन है, राजीव, सही दो लोकसभाएं, ऐसे चार नाम लिखूंगी, नेहरू, राजीव और बताना, मनमोहन सिंह जी ने दो देखी और अभी कौन बैठा है, मोदी। दो से ज़्यादा मतलब तीन किस किस ने देखी, पढ़ लो, मोदी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, पढ़ने में ध्यान रखो। जब ये दो नंबर में आते हैं ना बच्चे, ये कई बार फेल होते हैं, फिर इनको जब लाइफ दिखती है कि भैया लाइफ, ये मौज मस्ती का नाम लाइफ नहीं है, लाइफ कमाने का नाम है, कमा के मौज मस्ती करने का नाम, तब अकल आती है, तब तक लेकिन कई पेपर निकल जाते हैं। ये पेपर सबको चांस नहीं मिलता बार बार, लकी मानो अगर तुम तैयारी कर रहे हो और एक साल में बढ़िया पेपर हो गए, नहीं तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं दो दो साल से पढ़ रहे हैं पेपर ही नहीं हुए, तैयारी बहुत अच्छी है पेपर नहीं हुआ, तो पेपर सामने अब अगले छः महीने खूब पेपर होने हैं, जिसमें दम है वो लग सकता है, और जिसको बैठे रहना है उसके अगले दो साल भी कोई मतलब नहीं है फिर नौकरी निकलने का, ये मत सोचना हम लगातार निकलेंगी, एक बार ज़्यादा निकाल के सरकार अपनी इमेज सुधार लेगी, फिर सरकार ना निकाले एक साल नौकरी। तुम अगर इतना अपने ऊपर ले पाओ इतना बर्डन कि दो साल ना निकले तो भी मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, जो लग गया ना 2021 के पेपरों में लग गया, वरना 2023 से पहले फिर नौकरी नहीं है, जब इलेक्शन आएंगे ना 24 के तब 23 में आएंगी अब नौकरियां, तो 2022 में इतनी आसान नहीं होगी नौकरी निकलना, फिर तो रिजल्ट और ये सब आएंगे, और जो जब फेल होंगे ना तब देखना कितना दुख होगा कि यार पूरा साल बर्बाद गया, नौकरी निकली नहीं, निकली तो पेपर नहीं हुए। अब सरकार अगले पेपर जो बढ़िया लेगी ना, जैसे अब 21 में लेगी, 21 में बढ़िया पेपर लेके फिर 23 में लेगी, तो जो अफोर्ड कर सकता है दो साल खराब करने वो तो मौज मस्ती कर लो, और जिसको ये लगता हो कि यार मुझे अब एक डेढ़ साल मुझे बेरोजगार नहीं रहना, डेढ़ दो साल बहुत हो जाएंगे, उसके बाद फिर 23 की रखना आशा, 22 में फिर ये लोग जो अब पढ़ रहे हैं ना इनका टाइम आएगा 22 में, 23 में जो तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हें डेढ़ दो साल हो जाएगा ना, फिर तुम्हें लगेगा यार उस टाइम पढ़ लिए होते, तो ये टाइम मत खराब करो, थोड़ा सा अपना टाइम की कीमत होती है। अब जैसे दो महीने पहले कुछ भी करते फर्क नहीं था, अब एक दिन कीमती है, सबका पेपर होगा ना दिसंबर तक, कोई ना कोई पेपर सबने भर रखा है, नहीं भर रखा तो फिर तुम्हारी गलती है, क्योंकि आगे क्या पता कब पेपर आएंगे। चलो हमने ये देख लिया, दो से ज़्यादा कितने लोग थे, दो से ज़्यादा वाली लोकसभा दो, और सही दो लोकसभा चार, और कितने लोगों ने, कितनी लोकसभाएँ ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा आदमी आया, छठी, नौवीं, ग्यारहवीं, दो आदमी और तीन आदमी, ये उल्टी बात कर रही हूँ मैं, दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीन तीन लोकसभाएं देखी, इंदिरा और अटल, इंदिरा गांधी ने चौथी, पांचवी, सातवीं, अटल जी ने ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल डबल लोकसभाएं देखी, नेहरू ने पहली दूसरी, राजीव ने सातवीं आठवीं, मनमोहन सिंह जी ने चौदहवीं पंद्रहवीं और मोदी जी ने सोलहवीं और सत्रहवीं, तीन लोकसभाएं ऐसी, मैंने इंसान नहीं लिखा लोकसभा, यहाँ आदमियों के नाम थे, लोकसभाएं ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा पीएम आया, छठी में कौन कौन आए, मोरारजी और चौधरी चरण सिंह जी, इसमें दो कौन आए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, इसमें आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। अब बताओ कितनी लोकसभाएं हैं जिनमें सिंगल सिंगल आदमी आया, इसमें से ही फाइंड आउट कर लो, पहली दूसरी तो होगी नहीं क्योंकि पहली दूसरी तो यहाँ लिख दी मैंने, ये नेहरू के पास, नेहरू किस किस में थे, पहली और दूसरी में, इसके बाद देखो ये इंदिरा किस में थी, चौथी, पांचवी और सातवीं में, अटल जी ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं में, मोदी जी सोलहवीं और सत्रहवीं, मनमोहन सिंह जी पंद्रहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं, 14+15, राजीव थे सातवीं और आठवीं में, ठीक है। अब इनमें से देख के बताओ जो नहीं लिखी मैंने वही होंगी सिंगल वाली, मैंने तीसरी लोकसभा नहीं लिखी इसमें कहीं भी, इसमें कौन था, शास्त्री जी, फिर देखो एक दो लिखी हैं, यहाँ देखो एक दो ये रही, तीन चार कहाँ है, तीन वो रही, हाँ गई, चार पाँच, फिर छः यहाँ है, फिर सात यहाँ है, फिर आठ यहाँ है, फिर नौ ये रही, तो ये तो आई नहीं सकती, दसवीं नहीं लिखी, दसवीं में थे पी वी नरसिम्हा राव, फिर ग्यारहवीं मैंने इसी में लिखी है, ग्यारह बारह तेरह देखो ये रही, तो ये नहीं होंगी, चौदह मैंने लिखी है कहीं पर, कहाँ लिखी है, 14-15 मनमोहन और 16-17, ये सारी लोकसभाएं तुम्हारे सामने हैं, आज तक सिर्फ दो लोकसभाएं थी जिनमें सिंगल आदमी आया, मतलब वो आया और अकेला वही था, ये है कौन कौन सी, तीसरी और दसवीं, पहली दूसरी दोनों में कौन आया, नेहरू, तीसरी में कौन आए, शास्त्री जी सिंगल, चौथी पांचवी में कौन आई, इंदिरा गांधी, छठी में दो लोग आए, सातवीं में इंदिरा, सातवीं आठवीं में देखो ये इंदिरा, सातवीं आठवीं किसने देखी, राजीव गांधी ने, ये रहा राजीव, सातवीं आठवीं, नौवीं में फिर दो लोग आए, फिर दसवीं में फिर एक आदमी आया, ग्यारहवीं में तीन आदमी, बारह तेरह ये रहा देखो, बारह तेरह, चौदह पंद्रह, सोलह सत्रह, अब सत्रहवीं चल रही है, ये क्लियर हो गया सबको, अब जल्दी से किताब उठाओ, अब ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, अब ये तुम्हें पेपरों में एज इट इज करना है, पेपर पेज नंबर 115 पे आ जाओ, भारत के प्रधानमंत्री का टेबल देखो, पहला पॉइंट देखना, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, अंडरलाइन कर लो मेन बात को, प्रथम है, कार्यकाल है इनका 15 अगस्त 1947 से 1964 के मई तक, तो कितनी बार तिरंगा फहराया,
इन्होंने रिकॉर्ड 17 बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा बार इनकी बेटी इनके कंपटीशन में आ गई थी, कितनी बार? 16। अगर इंदिरा का मर्डर ना होता, राजीव अपनी माँ की कुर्सी पर बैठे इंदिरा बैठी रहती और राजीव 84 से 89 तक बैठे। अगर इंदिरा उस टाइम बैठती तो इंदिरा अपने पिताजी के रिकॉर्ड को तोड़ देती और इंदिरा 20+ पे पहुंचती, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। यहाँ टिक कर लो, लिख लो 17 बार तिरंगा नेहरू के पास, 17 बार तिरंगा। तो 47 से 64 में मई में गए हैं, यानी 63 तक का तिरंगा इनके हाथ में था। अगला देखो जरा, सबसे लंबा कार्यकाल हुआ 17 साल लगभग का, गुलजारी लाल नंदा, जीएल नंदा। क्या सच में पीएम बने थे ये? ये दो लोगों की मौत के तुरंत बाद पीएम बने। पहले किसकी मौत हुई? पहले, सबसे पहले नेहरू की। मैं पीएम पढ़ा रही हूँ, राष्ट्रपति नहीं। दूसरी किस पीएम की मौत है? शास्त्री जी की। विदेश गए थे, डेड बॉडी के रूप में वापस आए, बताई थी ना सारी कहानी ताशकंद, सेम वही। तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक पीएम है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, काम करने आए थे। किसकी मौत के बाद आए? दो लोगों की लगातार मौत थी 64 और 66 में, पहले नेहरू जी की फिर शास्त्री जी की। ये टिक कर लो, कार्यवाहक। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दो बार, डबल टिक करो, कार्यवाहक दो बार। बस मेन बात को टिक करना, पेपर से पहले सिर्फ नजर मारनी होती है, सारी किताब नहीं पढ़ी जाती। तो दो बार कार्यवाहक, कार्यकाल बस पढ़ लो, 27/5 से 9/6 तक था, यानी कुछ दिनों का था। ये दो बार ऐसे 13-13 दिन के पीएम बनेंगे। किन दो पीएम्स की मौत के बाद? नेहरू और शास्त्री। अगला टिक करो, लाल बहादुर शास्त्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान मृत्यु। टिक कर लो, विदेश यात्रा मृत्यु। कौन सी विदेश यात्रा पर गए थे ये? ये गए थे ताशकंद में। क्यों गए थे ताशकंद में? एक समझौता होना था हमारे और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि कौन से सन में हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ी हुई थी? 1965 में। और उसी को निपटवाने के लिए 1966 में 11 जनवरी 1966 को यह समझौता संपन्न हुआ और सेम डे रात में इनकी डेथ हो गई, या शायद रहस्यमयी मौत हो गई। आपके देश में डेड बॉडी उतार दी और आपने बस एक बड़ा प्राइज इनके नाम कर दिया। कौन सा प्राइज था वो? मरणोपरांत। कौन सा बड़ा प्राइज? भारत रत्न। ये पहले इंसान हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न, अब तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये पहले हैं जिनको मरने के बाद पहला भारत रत्न मिला। आज ये ताशकंद अगर आप मैप पे ढूंढते हैं तो आपको ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल नजर आएगी। तब ये उज्बेकिस्तान नहीं था, तब ये पूरा देश सोवियत संघ था, यूएसएसआर था। 1991 में ये कांट छांट के 15 हिस्सों में बटा, जिनमें से एक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिंस और इस तरह के बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। ये टिक कर लो, पहला प्रधानमंत्री जिसकी कैसे कभी मृत्यु हुई? विदेश यात्रा। कौन सी विदेश यात्रा पर थे? ताशकंद। लिख लो यहां ताशकंद, उज्बेकिस्तान, 1966 में। ये सन तो नीचे भी लिखा है, कार्यकाल देखो इनका 64 से 66। ये डेट टिक कर लो, 11 जनवरी इस दिन इनकी डेथ हुई थी। इस दिन कौन सा समझौता भी संपन्न हुआ था? ताशकंद समझौता। किस किसके बीच था ये? शास्त्री जी और अयूब खान। मेंशन कर लो यहाँ, शास्त्री जी और अयूब खान, दोनों का नाम, शास्त्री और अयूब खान, अयूब खान इनके बीच में था। इसके बाद अगले पॉइंट पर आओ, गुलजारी लाल नंदा, ये ऊपर भी आया था ना। क्या ये सच में पीएम बने हैं कभी? ये एक्टिंग पीएम बने, कितनी बार? दो बार। ये गृह मंत्री रहे हैं, जैसे आज अमित शाह है ना, क्या है अमित शाह? गृह मंत्री। सारे डिसीजन वही लेते हैं असलियत में, ऐसे ही ये, लेकिन ये डिसीजन एज सच नहीं लेते थे। दो बार ये देश के डिप्टी प्राइम, ये बने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ये टिक कर लो, गुलजारी लाल नंदा, कार्यकाल फिर से इनका है, ये भी 13 दिन का कार्यकाल है। कार्यवाहक एक्टिंग लिख लो, एक्टिंग पीएम थे, कार्यवाहक। फिर आ जाओ इंदिरा गांधी पर, इंदिरा गांधी का बर्थ जानते हो कब का है? जब रूस में क्रांति हुई थी, यूएसएसआर में। कब क्रांति हुई थी यूएसएसआर में? तुम्हें यूएसएसआर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक बार सब लोग बोर्ड पे देखो और सुन लो। यूएसएसआर जिसको आप कहते थे, ये सोवियत संघ है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अमेरिका ताकत में इससे कमज़ोर था, होगा अमेरिका विश्व शक्ति आज, लेकिन इसके सामने अमेरिका कमज़ोर पड़ता था। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ जिन लोगों की सरकार थी वो मजदूर थे, वो किसान थे, गरीब मजदूर और किसान ने सरकार बनाई थी अपनी। 1917 में यहाँ एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस देश का जो शासक था ना निकोलस, वो पूरी सेना, दल बल, पैसा लेके और लड़ाई में कूद पड़ा, बहुत नुकसान हुआ, लोग भूखे मरे, देश भूखा मर रहा है, उसको लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो अपने हथियारों की सप्लाई खरीद रहा है। तो लोगों ने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पहली ज़रूरत है पेट भरना, और जगह जगह हार रहा है, इतना पैसा बर्बाद करके भी हारता गया। तो मजदूर और किसान एक हो गए और गरीब मजदूरों और किसानों ने इनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी और जगह जगह क्रांति के नारे, बिगुल बजे और उनके जो उनके दफ्तर थे, उनके घर थे, इन पर अटैक किया। और जो इस तरह के लोग थे ना, इस राजा के खास मेन आदमी, इनको मार डाला और सब जगह कहा कि हमारी सरकार चलेगी, हमारा देश चलेगा। और ये दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि क्या गरीब मजदूर और किसान भी सरकार चला सकता है, और इसका आंसर यस में निकला। जब पूरी दुनिया में राजा महाराजा, कॉलोनीज, उपनिवेशों का टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूरी दुनिया जूझ रही थी, तब इन लोगों ने दिखाया कि अगर आप समझदार हैं तो आप मजदूर और किसान होते हुए भी देश को संभाल सकते हैं। और दुनिया में सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर किसी ने सोशलिस्ट कंट्री के रूप में दिया है तो वो आपके यूएसएसआर।
आरने हैं। इसने दिखाया कि कैसे लोग अगर समझदार हों तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं। ऐसा सच में हो सकता है कि राष्ट्रपति का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें किसी नॉर्मल किसान या मजदूर का बेटा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते ना। राष्ट्रपति के साथ किसी आम आदमी का बच्चा बैठ भी जाए, उसके रिश्तेदारों के साथ भी, इतना घमंड है हमारे यहाँ। और यहाँ सब बराबर थे। इस देश ने दुनिया को दिखाया कि अगर सिस्टमैटिक काम किया जाए तो कहाँ से कहाँ देश पहुँच सकता है, और इसकी सब मानते भी थे। इसने जब हमें कहा ना कि युद्ध रोक दो तो हम मान गए। इसने अपने यहाँ हमें इनवाइट किया, कौन सी जगह थी ये, ताशकंद। और इसीलिए हम मतलब यहाँ से शास्त्री जी और पाकिस्तान से उनके राष्ट्रपति अयूब खान दोनों पहुँचे ताशकंद, और दोनों की मीटिंग हुई, लंबी चौड़ी बातचीत चली, और तब जाके इनके देश में हमारे और पाकिस्तान के बीच में इस पर कागज़ पर साइन हुए जिसको आप कहते हैं ताशकंद समझौता। तो किन दो बड़े लीडर्स के साइन हुए, अयूब खान और शास्त्री। कौन था यहाँ पर मेन मुखिया, यूएसएसआर। यूएसएसआर बाद में धीरे धीरे गड़बड़ियाँ हुई, फिर ये कांट छांट होने लगी, और इनकी जो ताकतवर सरकार थी वो अगली पीढ़ियाँ संभाल नहीं पाई और इसमें फूट पड़ गई, और इसके अलग अलग हिस्से बन गए 15। 1991 में ये पूरी तरह से कांट छांट के 15 हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसमें से आज एक आप रशिया के नाम से जानते हैं, रूस, जिसकी राजधानी है मॉस्को। तो ये जो है ना रूस, ये यूएसएसआर का ही हिस्सा है। रशिया एक ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है। रशिया को अगर आप मैप पे देखेंगे तो वो आपको एशिया में भी दिखाई देगा और यूरोप में भी दिखाई देगा। तो ऐसे तीन देश हैं, लेकिन मेन कौन सा देश है अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे रूस। इसकी पूरा बॉडी जो आप देखते हैं ना, मैं कहाँ है, तो आप एशिया देखते हैं, लेकिन जब इसकी राजधानी की बात करें, जो मैंने क्या बताया मॉस्को, उसको आप लोकेट करेंगे तो आप देखेंगे वो यूरोप के साथ पड़ती है। तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एरिया में जो देश है, ये दो महाद्वीपों में स्थित है, किस किस में, यूरोप और एशिया। और यहीं पे वो पहाड़ हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, नेचुरल बाउंड्री, जिसको आप कहते हैं ये यूरेशिया। यूरेशिया का हिस्सा है यूरोप और एशिया। यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब पहाड़ों का अगर मैं नाम लूँ तो ये यूराल है, यूराल। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, पहले एक ही था, यूराल पहाड़ है ये जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ये हमें नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी का टॉपिक है, वापस आते हैं। हमारा मेन टॉपिक था कि ये संधि समझौते कहाँ हो रहे हैं, तो कहाँ हुई है बैठक, ठीक है। अब जल्दी से अगला पॉइंट पढ़ेंगे। गुलजारी लाल नंदा हुआ, इंदिरा गांधी 1917 में जन्मी थी, लिख लो, यहाँ से हम क्रांति के उस पर गए थे, 1917 में बर्थ। फिर टिक करना, पहली महिला प्रधानमंत्री जो चुनाव हारी, पहली प्रधानमंत्री, कौन से इलेक्शन में हारी थी ये, जब आए थे छठी लोकसभा में, दो आदमी, कौन कौन थे वो, चौधरी चरण सिंह जी और क्या नाम था, मोरारजी देसाई, इलेक्शन हारी थी 1977 का। कार्यकाल टिक कर लो, 66 से 77। इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड है कब से कब तक बता रहे हैं, हाँ अब एक बार बोर्ड पे देखो सब लोग, 1966 से और कितना बताया, 77। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इस पीएम का दौर है, ये एक पीएम है, और आपके देश में कितने सारे राष्ट्रपति आएंगे, देखो आपका पहला राष्ट्रपति कब था, 1952 इलेक्टेड अगर कहूँ, 62 तक, दूसरे 62 से 67, यानी ये इनके बीच में आ गए होंगे ना, ये भाई 62 से 67 है, ये 66 में आई, तो क्या इनको ये वाले राष्ट्रपति मिले, इन्होंने 66 में जब ये बनी तो राष्ट्रपति कौन था, एस राधाकृष्णन। फिर तीसरा राष्ट्रपति बना 1967 से 69, इनके बीच में आ गया। चौथे राष्ट्रपति बने 1969 से 1974, और पांचवे राष्ट्रपति बने 1974 से 77। इसका मतलब एक अकेली इंदिरा गांधी के टाइम में कितने राष्ट्रपति आए, कितनी बड़ी बात है, एक अकेली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कितने, चार। ऐसा एक बार और होगा जब आगे पहुंचेंगे ना लिस्ट में, अभी यहाँ समझाने के लिए बताया, इंदिरा गांधी ने चार राष्ट्रपतियों के अंडर काम किया। पहले का नाम था एस राधाकृष्णन, क्योंकि वो कब से कब तक थे, 62 से 67, तो 66 में आई तो इनको वो मिले। फिर उसके बाद अगले जो थे उनका नाम था जाकिर हुसैन, इनके टाइम में भी इंदिरा ने काम किया, ये रहे। फिर उसके बाद अगले, अचानक से डेथ हो गई, फिर कौन बने, वी गिरी, तब भी इंदिरा बैठी थी। और फिर जब अगले राष्ट्रपति गिरी के बाद आए फखरुद्दीन अली अहमद, तब भी इंदिरा बैठी थी। तो इंदिरा का टाइम पीरियड देख रहे हो कितना लंबा, कितने राष्ट्रपति आ गए और चले गए, चार। जब ये आई तो दूसरे राष्ट्रपति थे, फिर तीसरे भी देखे, चौथे भी, और पांचवे भी, इन्होंने जब आपातकाल हटाया ना तो मर गए थे। दो ही राष्ट्रपति आज तक आपके टाइम पीरियड में मरे हैं अब तक, और दोनों राष्ट्रपति किसके टाइम पीरियड में खिसक गए थे, मर गए थे। देखो चार राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा, इनमें से दो तो टाइम के बीच में चले गए, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, आज तक और कोई नहीं मरा राष्ट्रपति। तो ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री है जो जब पीएम बनी और लगातार में पीएम रही और उन्होंने चार राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा, इंदिरा गांधी। कौन से चार राष्ट्रपति हैं ये, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी और फखरुद्दीन। क्या ये समझ में आ गया, यहाँ लिख लो ये बात, इंदिरा गांधी के पास लिखो, चार राष्ट्रपति देखे या चार राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा, और चारों के नाम लिख लो, नीचे लिख लो ये एक लाइन में, चार राष्ट्रपति।
एक बार लिखने से पहले एक बार बोर्ड पे देखो जरा, इतना क्लियर हो गया सबको? इंदिरा गांधी दो बार आई थी ना पीएम बनने, पहले तो लगातार में 11 साल, और फिर कब आई थी 1980 में, कब तक रही थी 84। सब लोग बोर्ड पे ही नज़र रखना, ये चार राष्ट्रपति तो पहले स्टार्टिंग के टेन्योर में थे, फिर ये दोबारा पीएम बनती हैं, 77 में हटी, 1980 में दोबारा बनी, और कब तक रही 84 तक। तब फिर भी तो राष्ट्रपति देखे होंगे भाई, जब दोबारा बनी तो दोबारा भी राष्ट्रपति आए होंगे, फिर भी दो राष्ट्रपति देखे, तो कितने राष्ट्रपति देख लिए? कुल छः राष्ट्रपति, और दो बीच में एक्सपायर हुए, तो उनका काम संभालने भी दो आए होंगे, तो कितने राष्ट्रपति देख लिया? 8। ऐसा कोई नहीं है, इनके पिताजी भी नहीं है, इनके पिताजी ने बस एक राष्ट्रपति देखा था और दूसरा बना ही बना था। कौन था वो पहला? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो 52 से 62 तक थे, इनके पिताजी 64 तक थे, राधाकृष्णन और आ गए थे, लेकिन इनका टाइम पीरियड पिताजी के मुकाबले कम है, और राष्ट्रपति कितनी लंबी नाम की लिस्ट है पूरी। अब इसमें देखें जरा, इसमें कौन था आपका राष्ट्रपति? तुम्हें राष्ट्रपति का टेबल मैंने जब तुम बेसिक बैच में थे तब कराया था, याद है किसी को? किस राष्ट्रपति ने एक दिन महीने शपथ ली? ना दिन बदले, ना महीने बदले, ना साल बदले, कोई ऐसा राष्ट्रपति था तुम्हारा? क्या नाम था उसका? नीलम संजीव रेड्डी। कब शपथ ली थी इन्होंने? 1977। वो दिन और आज का दिन, किसी भी राष्ट्रपति ने इस डेट से अलग शपथ नहीं ली, और सबका कार्यकाल कितने कितने साल का निकला? 5 साल। ना कोई मरा, ना रिपीट हुआ, ना टाइम से पहले हटा। ये छठे नंबर के राष्ट्रपति थे ना, नीलम संजीव रेड्डी, ये मैंने बताई थी सारी बातें तुम्हें, 25 जुलाई 77 से 82 तक। जब ये 80 में बनी तब कौन रहे होंगे? नीलम संजीव रेड्डी। समझ में आ गया? ये छठे राष्ट्रपति हैं, क्योंकि चार हम पीछे लिख के आ गए, तो छठे राष्ट्रपति इन्होंने कौन से देखे? नीलम संजीव। अब ये 82 में हट गए, अगला आ गया होगा 25 जुलाई 1982 से 87। पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी, यानी इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह जी का भी टाइम देखा। जैल सिंह जी के टाइम ही इनका मर्डर हुआ था, क्योंकि जैल सिंह 82 से 87 के बीच में थे, और 31 अक्टूबर 84 को इनको 31 गोलियां मारी थी इंदिरा को। तो इंदिरा ने अपने 16 साल के टाइम पीरियड में कितने राष्ट्रपति देखे? 6। तो ये 8 हम क्यों कहते हैं? क्योंकि दो कार्यकाल के बीच में मर गए थे। कौन कौन? एक जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन। जाकिर हुसैन के बाद काम संभालने के लिए आए थे वीवी गिरी, लेकिन वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, हिदायतुल्ला थे, और इनके बाद आए थे बीडी जत्ती। अगर मैं मरने वालों के बाद आने वालों की भी काउंटिंग करूं तो लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अलावा इन्होंने जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी देखे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो देखे वीवी गिरी। चलो गिरी तो हमने परमानेंट में गिन लिया, कोई बात नहीं। फिर कौन देखे थे? एम हिदायतुल्ला, और एक और कौन देखा था? बी डी जत्ती। आज तक आपके कितने राष्ट्रपति हुए हैं टोटल? राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं ये? 14th नंबर के। ये अकेली एक औरत जो पीएम की कुर्सी पर बैठी है, 14 में से कितने राष्ट्रपति इन्होंने देख लिए? 8 राष्ट्रपति। कितनी बड़ी बात है ना, 6 राष्ट्रपति तो इन्होंने परमानेंट देखे हैं, और 7 और 8 ये एक्टिंग 3 देखे, लेकिन इन 3 में से एक तो परमानेंट भी बन गया था ना वीवी गिरी 5 साल का। तो अगर देखें टोटल में, पूछें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्न में से कितने राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में काम किया, तो क्या कहोगे? 8 राष्ट्रपति। 6 तो कौन है डायरेक्ट 5-5 साल वाले, और 2 हैं जो कार्यवाहक थे। कार्यवाहक वैसे कुल कितने आए थे? 3, लेकिन इनको हमने किस में गिन लिया है? परमानेंट वालों में ये रहे। क्या ये समझ में आ गया? बहुत कॉम्प्लेक्स सी बात है, और ये बिना समझे बात नहीं बनती। पेपर में इस तरह की चीज़ आती है जो बच्चे को घुमा दें, रट के गया बहुत ज़्यादा, वहाँ याद ही नहीं आएगा, कहेंगे निम्न में से किस राष्ट्रपति ने पीएम इंदिरा के साथ काम नहीं किया, तो जो पढ़ के गया है, जिसको नाम याद है, वो टिक करेगा, वरना बैठे रहेंगे। टोटल 14 राष्ट्रपति आज तक के 70 सालों के इतिहास में तुम्हारे हुए, उन 70 सालों के इतिहास में 8 राष्ट्रपतियों के साथ किसने काम कर लिया? इंदिरा गांधी। कौन कौन से नाम है ये? राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, फखरुद्दीन, और अगले टेन्योर में किसके साथ काम किया? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह जी। इन 6 में से कितने बीच में एक्सपायर हुए? 2, एक जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन, दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति। जाकिर के बाद 2 लोग आए, एक वीवी गिरी, हमने परमानेंट में भी गिना, और एक एम हिदायतुल्ला और एक बीडी जत्ती। तो कुल कितने जज ये हुए ये लोग? राष्ट्रपति 8। क्लियर हो गई ये बात? ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात है, इसको ऊपर इसी पेज में एक लाइन में लिखो, अब ध्यान से लिखना, लिखो इंदिरा ने ऊपर साफ सुथरा और अच्छा लिखना, बहुत बहुत मुश्किल लगेगा वरना बाद में समझना। देखो इंदिरा ने 6 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, इंदिरा ने 6 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, 6 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, लिखो पहले कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में इंदिरा ने 6 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया पहले कार्यकाल में। अब पहला कार्यकाल मतलब कब से कब तक का? 66 से 77, लिख लो यहाँ, 1966 से 77 के बीच, 1966 से 77 के बीच कितने राष्ट्रपति आए? कितने आए? तुमने क्या लिखा? 4 लिखा, 6 लिखा तुमने, ब्रैकेट में लिख लो 4+2, 2 कार्यवाहक हैं, 4 परमानेंट, 4 परमानेंट और 2 कार्यवाहक,
दोबारा सुन लो, इंदिरा ने 6 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया पहले कार्यकाल में 1966 से 1977 के बीच में, 4 परमानेंट और 2 कार्यवाहक। अब सेकेंड लाइन में लिखो, इंदिरा ने 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, इंदिरा ने 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया दूसरे कार्यकाल में, इंदिरा ने 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया दूसरे कार्यकाल में। ऊपर तुमने 6 लिखे, अब 2 हुए, कितने हो गए ये? 8। ठीक है, इन यहाँ पे दूसरे कार्यकाल का टाइम पीरियड कितने से कितना लिखोगे? 1980 से 84 लिख लो ये, दूसरे कार्यकाल में, ब्रैकेट में 1980 से 84। ठीक है, अब बताओ कौन से 8 राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के टाइम पर आए? पहले से शुरू करें, राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, बीच में एक्सपायर हो गए, वीवी गिरी, उन्होंने काम छोड़ा तो एम हिदायतुल्ला, फिर परमानेंट आ गए वीवी गिरी, तो वो हमने नाम एक ही बार अगर इंक्लूड करें, उससे अगले कौन बने वीवी गिरी के बाद? ये देखो, वीवी गिरी के बाद कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद, अचानक से ये भी चले गए, फिर आए बी डी जत्ती, और जत्ती के बाद फिर अगले टेन्योर में कौन आया? नीलम संजीव रेड्डी, और फिर आए ज्ञानी जैल सिंह जी। तो अगर हम टोटल को गिने तो 4 पहले और 2 बाद में, कितने हो गए? 6। और अगर 2 मर गए उनके बजाय जो 3 आए उनमें से एक को परमानेंट माने, तब भी कितने हो गए? 8। 8 लोगों ने इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर बैठ के काम किया कि भाई हम प्रेसिडेंट हैं और ये पीएम है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसी टक्कर में इनके पिताजी भी नहीं है, जिनका कार्यकाल कितने साल का है? 17। उन्होंने कितने राष्ट्रपति देखे? 2। और इनका कार्यकाल 16 साल का, और राष्ट्रपति कितने देख गई हैं? 8, जिनमें से 6 तो परमानेंट 5-5 साल वाले हैं, और 2 हैं एक 2 साल के और एक 3 साल के। क्लियर हो गया सबको ये? चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 6 राष्ट्रपति याद हो जाएंगे, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन, और अगली बार नीलम और ज्ञानी जैल सिंह जी। जिसको याद ना रहे ऊपर एक लाइन में लिख लो, ये बाद में याद नहीं रहती चीजें, फटाफट से लिखो कौन थे वो 4, ऊपर या नीचे कहीं भी लिख लो, लाइन लिखोगे तो बाद में पढ़ते ही याद आ जाएगा। लिखो एस राधा कृष्णन, इस टेबल में खिचड़ी मत पकाओ, यहाँ याद नहीं होगी, ऊपर लिख लो साफ साफ, एस राधा कृष्णन कॉमा जाकिर हुसैन, एस राधा कृष्णन कॉमा जाकिर हुसैन, फिर कॉमा किसका नाम लिखोगे? वीवी गिरी का, वीवी गिरी, ये देखो बोर्ड पे भी देख सकते हो, एक आधे को नाम ही लिखना नहीं आएगा, वीवी गिरी, वेंकट वराह गिरी, और चौथे एफ ए अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ये 4 हो गए, इन 4 के साथ 2 लोग एक्सपायर हुए इनमें से, कौन कौन? जाकिर और फखरुद्दीन। जाकिर के बाद 2 कौन आए? वीवी गिरी और हिदायतुल्ला, और ये फखरुद्दीन के बाद बीडी जत्ती। अभी यहीं पे लिखो 2 और का नाम, तुमने 4 लिख लिए, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह जी, ये 6 राष्ट्रपति हैं, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह जी। 14 में से सोचो 8 के साथ इसने काम किया, 2 कार्यवाहक, चलो परमानेंट देखे तब भी 6 के साथ, तो कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, चलो, इंदिरा गांधी का बर्थ कब हुआ था? 1917। मर्डर कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1984। कितने राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा? 6 तो परमानेंट 5 साल वाले थे, जिनमें से 2 बीच में गुजर गए, तो कार्यवाहक कितने आए? 2। 3 आए थे लेकिन एक परमानेंट में आ गया था। नेक्स्ट पे आ जाओ, मोरारजी देसाई, जन्म इनका 29 फरवरी को हुआ, तो 4 साल में एक ही बार बर्थडे आएगा। मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी उम्र के पीएम बने थे ना ये, किस उम्र में? 81 में, 81 साल में, अंडरलाइन कर लो, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 4 वर्ष बाद आता है। कार्यकाल इनका 77 से 79, यहाँ लिखो 81 ईयर्स में बने, सबसे बड़ी उम्र का पीएम है ये आपके देश का, 81 साल का। 40 साल का पीएम कौन था? राजीव गांधी। तो सबसे एज्ड पीएम कौन है? मुरारजी देसाई। कब बनने का मौका मिला? जब इंदिरा हटी, और इंदिरा हटी तो सिर्फ 2.5 साल के लिए, 77 से 80 के बीच में। इसके बाद फटाफट से अगला टिक कर लो, कार्यकाल इसका हुआ 79, पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, रिजाइन करके हटने वाला पहला पीएम मुरारजी देसाई, और ऐसी पीएम जिसने 8 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, कार्यवाहक कितने थे? 2, और कितने परमानेंट? 5-5 या 2-2, भाई मर गए अलग बात है, कितने राष्ट्रपति आज तक कार्यकाल के बीच में गए? 2। कौन कौन? जाकिर और फखरु, दोनों किसके टाइम पीरियड के बीच में गए हैं? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का मर्डर जब हुआ तब देश का राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह जी, सिख थे वो, पहले सिख राष्ट्रपति। अगला फटाफट से टिक कर लो, मुरारजी के पास एक चीज और लिख लो, लिखो भारत रत्न और निशान ए पाक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला इनको, इंडिया का भी सबसे बड़ा, थोड़ा सा सुनो इसको, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है जो किसी को मिल सकता है? भारत रत्न। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है निशान ए पाक, जैसे हमारा भारत रत्न है तो उनका निशान ए पाक। आपके देश का सबसे उम्रदराज आदमी जिसका नाम क्या है? मुरारजी, इसको ये दोनों अवार्ड मिले हैं। अभी आपसे कोई पूछे कि आपके देश के किस पीएम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला, तो क्या नाम है इनका? मुरारजी। इन्होंने एकता के लिए काम किया ऐसा कहते हैं, यहाँ लिख लो ये पॉइंट, निशान ए पाक और भारत रत्न दोनों मिले हैं इनको।
ठीक है, किस एज में बने थे ये पीएम? 81 में। किस पीएम ने 6 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा? और इनके पिताजी ने कितनी बार तिरंगा फहराया? 17 बार। लेकिन राष्ट्रपति कितने देखे? 2। इन्होंने तिरंगा फहराया 16 बार, राष्ट्रपति देखे 6, तो 5-5 साल वाले और 2 कार्यकाल वाले, बीच वाले।